जर्मनी में 200 से ज्यादा लोगों पर स्टडीज करने वाले रिसर्चर्स ने पाया कि पार्टिसिपेंट्स ने अपनी इच्छाओं का विरोध करते हुए कम से कम 4 घंटे बिताए और यह पाया कि खाने, जबकि ब्रेक लेना, सेक्स करना, नेट सर्फ करना या टीवी देखना लोगों को निरंतर लुभाता है। हर एक पार्टिसिपेंट्स को 6 में से 1 के बारे में झुकना पड़ा, खासतौर पर खाने या मीडिया के इंटरेक्शन के लिए। न्यूजीलैंड में एक स्टडीज ने जन्म से लेकर 32 साल तक 1000 लोगों को ट्रैक किया और पाया कि मजबूत सेल्फ कंट्रोल वाले लोग स्वस्थ, खुश और अधिक सफल रहे। सोशल साइकोलॉजिस्ट राय बोमिस्टर ने निष्कर्ष निकाला कि एक मांसपेशी की तरह विल पावर ज्यादा उपयोग करने के साथ थक जाती है। आपको ये बातें समझ लेनी होगी, आपके पास लिमिटेड विल पावर है और जैसे जैसे अपने डेली रूटीन में आप यूज करते हैं ये कम होती जाती है। विल पावर को बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले खत्म करें, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। ये बातें याद रखें, अधिक विल पावर वाले व्यक्ति किसी भी भावनाओं को अधिक मजबूती से महसूस करते हैं, जिससे उनकी इच्छा कम हो जाती है और कुछ करने की लालसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। बॉममिस्टर की लैब में साइकोलॉजिस्ट ने मर्डीग्रास थ्योरी का टेस्ट करने का निर्णय लिया। एक्सपेरिमेंटर्स ने आधे को अपनी स्टडीज में एक टेस्टी दूध पीने को दिया और अन्य आधे को बेस्वाद कुछ पीने को दिया। हैरानी की बात है, दोनों ग्रुप ने पीने के बाद अधिक सेल्फ कंट्रोल दिखा। इस टेस्ट ने ग्लूकोज और विल पावर के बीच एक लिंक की आकस्मिक खोज की। मानव शरीर ग्लूकोज को कम करता है क्योंकि यह सेल्फ कंट्रोल करता है। आप अपनी एनर्जी को रिन्यू करने के लिए शुगर चाहते हैं। शुगर में लिप्त होने के बजाय अपनी विल पावर की भरपाई करने के लिए इन स्ट्रेटेजीज का उपयोग करें। फीड द बीस्ट, ब्रेकफास्ट खाओ। जब आपको भूख लगी हो तब आप खाना नहीं खाते हैं क्योंकि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खाना खाने में लापरवाही ना करें। सेकेंड वन, व्हेन यू ईट गो फॉर द स्लो बर्न। एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ इन खाद्य पदार्थों से बचें, जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल, स्नैक्स या फास्ट फूड। लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि सब्जी, नट, कच्चा फल, जैतून का तेल, मछली या दुबला मांस। लास्ट वन, व्हेन यू टायर्ड स्लीप। आराम करने से आपके शरीर की ग्लूकोज की आवश्यकता कम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का उपयोग करने की उनकी क्षमता में सुधार होता है। इस बुक में बताए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं, लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या करें क्या ना करें। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन GTD सिस्टम आपके अंदरूनी तूफान को शांत कर सकता है। GTD सिस्टम टू डू लिस्ट है। यह मंकी माइंड के विपरीत है, जो एक विचार से दूसरे पर कूदता है। कॉन्सेंट्रेशन करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। एलन ने इन सारी चीजों को 4 कैटेगरीज में बांटा है, डन, डेलीगेटेड, ड्रॉप्ड या डिफरेंट में। सब कुछ कैटेगरीज करने की प्रक्रिया तैयार की, इस तरह से ऑर्गेनाइज करके हर प्रोजेक्ट को अलग करता है और इसे प्रायोरिटीज देता है। हर आइटम के लिए एक प्लान बनाना आपके दिमाग को आराम देता है। जिगार्निक इफेक्ट है, जो इस प्रिंसिपल को साबित करता है और यह एक्सपेरिमेंट की एक साइकिल को दर्शाता है कि एक योजना बनाने से लोगों का सबकॉन्शियस शांत हो जाता है, जिससे यह प्रोडक्टिव रूप से कार्य करने की अनुमति मिलती है। साइकोलॉजिस्ट ने इसराइल की डिटेंशन सिस्टम में 1000 से अधिक पैरेलल बोर्ड के डिसीजंस की समीक्षा की। उन्हें जजेस के फैसले में कंसिस्टेंट पैटर्न मिला। कैदियों को सुबह सुबह बोर्ड का सामना करना पड़ता था, जिनकी पैरेल प्राप्त करने का 70% मौका था, जबकि जो दोपहर के भोजन से पहले ही दिखाई देते थे या देर से दोपहर में केवल 20% का मौका था। जैसा कि जजेस ने एक के बाद एक कठिन निर्णय लिए, दोपहर के बाद उनके ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, जिससे पैरेल ऑफिसर्स ने कठिन विकल्प बनाने और पैरेल देने के लिए असंतुष्ट बनाया। निर्णय लेने और संकल्प के बीच संबंध पारस्परिक है। निर्णय लेने से आपकी विल पावर कम हो जाती है और एक बार आपकी विल पावर कम हो जाती है तब आप निर्णय लेने में कम सक्षम होते हैं। सेकंड वन, बिहेवियर ट्रैक। सेल्फ कंट्रोल को ट्रैकिंग करने में फर्स्ट स्टेप गोल निर्धारित करना और अपने प्रोग्रेस पर नजर रखना है। टेक्नोलॉजी स्वयं की निगरानी आसान बनाता है। मिंट जैसी वेबसाइट आपके स्पेंडिंग और फाइनेंसिंग को ट्रैक करने में सहायता करते हैं। स्मार्टफोन ऐप आपके भोजन और पेय पदार्थों की खपत, नींद के पैटर्न, एक्सरसाइज टाइम टेबल और मूड स्विंग को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। ये प्रोग्राम इफेक्टिव है क्योंकि यूजर्स इन इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम अपने दौड़ने की दूरी और टाइम पोस्ट करता है। श्याम अपने वजन घटाने के साथ अन्य आहार की लिस्ट शेयर करता है। बाउमोइस्टर्स की लैब में एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से लोगों को उनके गोल्स प्राप्त करने का ट्रैक रहता है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की तुलना में पब्लिक इन्फॉर्मेशन का अधिक प्रभाव पड़ता है। लोग अपने बारे में जो कुछ जानते हैं उनके बारे में अन्य लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी है।
रिसर्चर्स ने पाया कि एक हैबिटल बिहेवियर को बदलना, जैसे कि उनके लेफ्ट हैंड के बजाय उनके राइट हैंड का उपयोग करना या सीधे झुकाव के बजाय बैठने पर ध्यान केंद्रित करना, समय के साथ आपकी विल पावर बढ़ेगी। एक फील्ड में अपने विल पावर को सुदृढ़ करने से दूसरों को लाभ होता है, लेकिन लंबे समय के लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिस से ज्यादा की आवश्यकता होती है। स्टडीज बताते हैं कि अच्छी स्वच्छता और एक व्यवस्थित वातावरण सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देते हैं। एक अच्छी तरह से बनाया बिस्तर या साफ डेस्क आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। एक बार जब आप हेल्दी बिहेवियर पैटर्न स्थापित करते हैं तो सत्ता बन जाते हैं और अपने सेल्फ कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। विल पावर का सबसे मजबूत स्रोत यह विश्वास है कि आप अपने आप से किसी उद्देश्य से अधिक सर्व कर रहे हैं। थर्ड वन, अ हाई पावर। गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन ने नशीली दवाओं और शराब की लत से जूझना शुरू कर दिया जब तक कि उसके हाई पावर ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसने उन्हें बदलने के लिए सशक्त बनाया और खुद में सेल्फ कंट्रोल भी लाया, जिससे उन्हें शांत रहने की जरूरत पड़ी। सोशल साइंटिस्ट स्वीकार करते कि विश्वास और धर्म सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं। धर्म में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के तंत्र शामिल हैं। ये बातें याद रखें, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके बिहेवियर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आपका दोस्त अधिक ड्रिंक करता है तो आप अधिक पीते हैं। जब आपके कलीग्स अधिक वजन वाले होते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं। फोर्थ वन, टीच योर चिल्ड्रेन। स्टडीज से पता चलता है कि एशियन अमेरिकन बच्चों के बाकी हिस्सों के मुकाबले सेल्फ कंट्रोल के हाई लेवल पर ध्यान दिया जाता है। एशियन अमेरिकन माता पिता सेल्फ कंट्रोल और कड़ी मेहनत पर जोर देते हैं, हायर गोल्स निर्धारित करते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को उनके उपलब्धि के माध्यम से प्रशंसा करना चाहिए, बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से डिसिप्लिन में रखना चाहिए। उचित परिणाम, स्पीड और स्थिरता के साथ रूल्स को लागू करने से बच्चों को सेल्फ डिपेंड वयस्कों में बदलने में मदद मिलती है। फिफ्थ वन, द डाइटिंग। दुनिया के सबसे पॉपुलर डाइटर में से एक ओपेरा विल्फ्रे है। ओपेरा पैराडॉक्स कहता है कि यहाँ तक कि एक्सेलेंट सेल्फ कंट्रोल वाले लोग भी अपने वजन को नियंत्रित करने में गलत हो सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी डाइट पर नहीं जाना चाहिए या चॉकलेट या किसी अन्य फूड को त्यागने का वादा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय पहले वास्तविक गोल निर्धारित करें और फिर धीरे धीरे चेंज करें। कुछ लोग अपने भोजन का सेवन करने की योजना बनाते हैं और जो कुछ भी वे खाते हैं उन्हें नोट करते हैं। इस तरह की निगरानी आपको कम कैलोरी खाने में मदद करेगी। इस बुक में हमने सीखा ह्यूमन बिहेवियरल स्टडीज ने विल पावर के बारे में क्या सिखाते हैं। नेक्स्ट वन, क्या एक्टिविटीज से अपनी विल पावर को कम या बढ़ाया जा सकता है। लास्ट वन, अपने सेल्फ कंट्रोल को कैसे मजबूत किया जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको विल पावर बुक से बताया, जिसके ऑथर है रॉय एफ बाउमिस्टर एंड जॉन टियर्नी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हो रही हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, यही मेरा असली मकसद है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्या पता उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो, बायोग्राफी और बुक समरीज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।